चलिए फिर देखते हैं, मुझे जहां तक याद है दो ही थे। लेक्चर नंबर 7, सबसे पहले एक ये क्वेश्चन था, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज, इसका कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा? करा है किसी ने ट्राई? देखिए, जब इसको आप रेस्ट से छोड़ रहे हैं, सपोज आपने इसके नीचे अपना हैंड लगा रखा है, देन अपना हैंड आपने रिमूव किया, तो ये बी ब्लॉक नीचे आने लगेगा। सपोज ये कितना नीचे आ गया है, एक्स नीचे आ गया, ठीक है, कितना नीचे आ गया, एक्स। तो ये अगर एक्स नीचे आता है तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक्स आगे जाएगा, स्ट्रेचिंग भी आगे, कितना हो जाएगा, एक्स, राइट? मतलब ये आगे अगर नीचे बी एक्स पे जाता है तो ये भी आपके पास इधर आ जाएगा, मान लो ये एक्स डिस्टेंस खिसक गया, और इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेचिंग कितने की हो जाएगी, एक्स की, ठीक है। तो दो तरीके हैं सिंपल, आप ये देख सकते हो, अपना बेस लाइन मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, यहाँ पर जीरो ले लो, उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। याद है ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे था? एक तो पहली बात, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो पार्ट है वो जीरो हो गया। कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लिया हम लोगों ने, स्प्रिंग वाला जो है और जो ग्रेविटी की वजह से होता हो, तो वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी एडजस्ट कर देता है। सो हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या फॉर्मूला था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो आप इससे भी कर सकते हैं, आप बेस लाइन मानो, यहाँ बेस लाइन मान सकते हो, सारी चीजें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को देखने का, कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ब्लॉक है, दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आप सीधा भी लिख सकते हैं क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ब्लॉक बी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो आपका सवाल ये हो सकता था, मैम ब्लॉक ए को आप कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ब्लॉक ए एक ही लेवल पे चल रहा है, तो उसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आता है तो दोनों तरफ आ रहा है, वो आपके पास कैंसिल होगा। आप इसको करके देखना, इसको यू इक्वल्स टू जीरो मानो, जो ये वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी कितना है, कितना लॉस हो रहा है इसका, एक्स नीचे आ गया ना, यस मैम एल जी एक्स, एक्स ठीक है, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना बेटा, हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर, यही होगा। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये कैंसिल होगा, यहां से आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी 2mg बाय में के आएगी, क्या यही आएगी, चेक करो एक बार। वो मास 2 m है ना, 4 mg बाय के लिए हाँ यस मास मैम 2 m। टू एम, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4mg, हो रहा ठीक है। चलो उससे करके देखते हैं, अभी कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। पहले तो सिस्टम का देखो, काइनेटिक एनर्जी, मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है ना, चलो फिर करके देखो इसको, बेस लाइन जीरो मान के एक बार करके देखो, कर लिया मैम, कर लिया। आ जाएगा ना, यस मैम, ठीक है। सो एक तरीका है इस प्रॉब्लम को ये देखने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था ये, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, निकाला किसी ने? यस मैम निकाला, कितना आंसर है, 5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, किसका नहीं निकला वो हैंड रेस कर लो एक बार। यस अंजुरा, मेरे देखिए पॉइंट में आ रहा था 6.7 कुछ करके। नहीं, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर वी मैक्सिमम है, यहाँ वी जीरो है, यस यहाँ मैम, मैक्सिमम है, ठीक है। ऊपर जाएगा फॉर सम मोमेंट, रुकेगा, देन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वी बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स हमने नहीं लिया, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको सीधा लगाना है। ये यहाँ जब पहुंच रहा है, ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, 1.4 कितना है, 2 मीटर है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 0.75 मीटर। इंच मैम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मान लीजिए यहां से चलते हैं हम लोग,
ठीक है, यहां से चल रहे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा जीरो, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आएगा, मास वगैरह कुछ नहीं, मान लेते हैं हम लोग एम है, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा एम जी इंटू में टू, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना आएगा एम जी इंटू में 0.75, एंड ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि आप इसको बेस लाइन ले सकते हो, आप यू इज इक्वल टू जीरो ऊपर की तरफ आप मेजर कर रहे हो, क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। और इसमें किसी को डाउट, बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से देखो मास तो कैंसिल ही हो गया इसीलिए नहीं आपको दे रखा था, ठीक है, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टू से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4g, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, चलो टू इंटू में 0.75 इंटू में जी, ये आपके पास प्लस है, सो यहाँ से वी मैक्सिमम का स्क्वायर आएगा आपके पास 4 माइनस में 2 इंटू में 0.75, जी बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आना चाहिए 0.25, कितना आ रहा है 2.5, सॉरी 2.5 आएगा, सॉल्व करके देखो 2.5 आ रहा है क्या चिराग? यस मैम 2.5 है, वो 1.5, यस मैम, हाँ वो 2.5 आएगा, इंटू में जी है तो 25 हो जाएगा, यानी 25 इज इक्वल टू वी मैक्सिमम का स्क्वायर हो गया, यानी वी कितना हो गया 5, क्लियर है सबको? यस मैम। जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन पॉइंट ए स्लिप्स ऑफ द टेबल, कुछ चेन प्रॉब्लम जब हम डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है वेलोसिटी ऑफ चेन निकालना है व्हेन पॉइंट ए स्लिप्स ऑफ द टेबल, यानी कि जब पॉइंट ए इस टेबल से खिसक चुका होगा उस समय पूरा चेन का वेलोसिटी कितना होगा, तो जब ये खिसकेगा यानी पॉइंट ए यहां पहुंच गया, सारी चेन ऐसे सीधी हो जाएगी एंड ये फॉल कर रही होगी ऐसे नीचे की तरफ विद वी वेलोसिटी, राइट, मास चेन का एम दे दिया, लेंथ चेन की एल दे दी, लगाओ जरा क्या फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है यहाँ पे आपको? नहीं नहीं दे रखा, सो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन या वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, इट इज कमिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वही एक फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, और वो वाला फोर्स जो है वो हमारे पास उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में एडजस्ट हो जाता है, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी आपके पास जीरो है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, ये कह रही है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, करो एक बार ड्राइंग, कैसे करो, इसी पे लगाना है, यही चार चीजें आपको बतानी है, कोशिश कीजिएगा, मैम इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है? यस मैम, बहुत जगह हो सकता है, लाइक जहां पर भी सपोज आपकी शिप्स हैं वहां पर आपको चेन्स वगैरह नीचे डालनी पड़ती है ना शिप्स को रोकने के लिए, यस मैम, कितने हैवी हैवी चेन्स होती है, ये जस्ट मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया, शायद वहाँ यूज हो सकता है, और बाकी प्रैक्टिकल चीजें तो बेटा इसमें यही है जहां पर भी चेन का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे पुलिस हो गया या क्रेन हो गया, ऐसी जगहों पर आई थिंक इसका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है। मैं वो मास जो है यूनिफॉर्म है ना पूरी लेंथ पे, तो m by 3 लेते थे ना, 2 m by 3 और m by 3 मास, मास यूनिफॉर्म है ये बोल रहे हो? यस मैम, हां जी मास यूनिफॉर्म है मैम, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो क्या होगा? देखो सिस्टम रेस्ट पे है, सपोज आपने उसको क्या किया, चेन को एक बार जरा सा टच कर दिया, मतलब ऐसे मान लीजिए उसको टच किया तो क्या होगा कि वो स्लिप करने लग जाएगी, सपोज स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में, जब आपको कुछ भी नहीं दे रखे ना स्टार्टिंग की कहानी, तो आप उसको क्या मानेंगे, वो रेस्ट पे है, सो काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल जीरो ही हो गया, ये तो सीधी सी बात है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कुछ आएगा, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी इजी है, पूरा चेन एक वी स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ पूरा चेन का मास एम इंटू वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो एक बेसलाइन लेना पड़ेगा, किधर लें,
टेबल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जो टेबल वाला टॉप है। तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या जीरो हो जाएगा चेन का? इतनी चेन का तो जीरो होगा, लेकिन ये भी तो है, ये तो नीचे की तरफ है कि नहीं? तो इसका क्या करें? और इस चेन का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जो चेन का मास है वो एक जगह नहीं है। अगर ये वाली आप देखते हैं लूप, तो ये जस्ट इसके नीचे है। अगर इसकी बात करें तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस नीचे है, अगला इतना डिस्टेंस नीचे है, अगला इतना डिस्टेंस नीचे है। सो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलग अलग जो छोटे छोटे एलिमेंट है मास के, वो अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल चेक करते हैं। इतना पार्ट का तो ठीक है जीरो है, 2L/3 पार्ट का जीरो है, लेकिन ये आपके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? इसके कहीं सेंटर पे लाई करेगा। अगर ये L बाय थ्री है तो इसका सेंटर कहाँ है? L by 6। यस, ये डिस्टेंस L by 6 हो गया। अब इसका मास कितना है? पूरी चेन का मास m है, लेकिन L by 3 लेंथ का मास कितना होगा? L लेंथ का मास ML upon 6। यूनिट लेंथ का कितना होगा? m by L। एंड L by 3 का कितना हो जाएगा? m by 3, यही होगा ना? So, मास आ गया, और सारा मास आप क्या समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पे रखा है, और कितनी हाइट नीचे है? वो L by 6 हाइट नीचे है। तो सिंपली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? m by 3 जी, और h की जगह क्या आ जाएगा? L by 6। एंड आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये बेस नीचे है, राइट? अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की। सेम चीज लगाएंगे हम लोग, वहां पर भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लेंगे। अब पूरा जो लेंथ है चेन का वो तो एल है। अब जब वो सीधी ही हो गई है बेस लाइन से, जस्ट जब ए पॉइंट स्लिप कर रहा है तो सीधी हो गई है, वर्टिकली बिल्कुल सीधी हो गई है। तो जो टोटल लेंथ है वो एल है, तो उसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा? एल बाय टू क्या आएगा? ये एल बाय टू हो गया सपोज इतना, और इसका जो टोटल मास है वो क्या लेंगे आप? एम ही लेना पड़ेगा। पूरी चेन का मास एम, जो सेंटर ऑफ मास एल बाय टू पे स्थित है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? एम जी एल बाय टू। तो यहाँ से आपके पास आएगा एम जी एल बाय टू, एंड इट इज नेगेटिव क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ये नेगेटिव हो गया। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हाफ, पहले तो एम से एम कट गया, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू में एल बाय 18 माइनस में जी इंटू में एल बाय 2, ठीक है? यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सॉल्व करो जरा इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉमन आ गया। मैं एल बाय 18 कहां से लिखा? 1/9 माइनस 1। मैंने यहां से लिखा बेटा। अच्छा, ओके। 6 × 3, एंड ये माइनस में है और ये इधर आके प्लस में होगा, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है? सो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? ये 8/9 आ रहा है ना, 8/9 जी एल ये आ गया आपके पास। यानी कि अगर सिंपली वी देखो कितना हो गया, अंडर रूट 8/9 जी एल, तो ये 2√2/3 अंडर रूट जी एल आ जाएगा, ठीक है? 8 का रूट कितना होता है? 2√2, तो ये आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हो 2 जी एल बाय में ये 9 है तो ये 3 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है? आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका अब अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। सो ये था सबसे बेसिक क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास निकालना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन एंड बी इमर्जेस आउट ऑफ राइट एंड। अभी देखो क्या किया, सपोज एंड बी का पूछा ना, सपोज आपने इसको जरा सा नीचे खींचा, हल्का सा क्या किया, इसकी पोजीशन से आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या होगा? ये स्लिप होने लग जाएगी, ठीक है? जब ये पूरा चेन ऐसे सीधा गिरेगी, जब इन्होंने पूछा क्या, देखो बी इमर्जेस आउट फ्रॉम द राइट एंड, यानी यहां से जब बी पॉइंट निकला, ये बी पॉइंट हो गया आपके पास और ये ए पॉइंट हो गया, तब पूछा है कि वो कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो अब सेम बात है, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है हमारे पास, उनका तो एडजस्टमेंट पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है, जैसे ग्रेविटी हो गया, और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, जस्ट डिस्टर्ब किया था उसको उसकी जगह से। सो आपके पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही है, कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. सो ट्राई कीजिए सर. चलो मेरे को बताते जाओ आप लोग. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लो? जीरो. बस रेस्ट फेज सिस्टम स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं. काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लो? सपोज जो ये चेन है जब वो बी एमर्ज आउट हो गया वो पूरा चेन इकट्ठा गिरेगा. कितना मास है इसका? एम मास है. कितना लेंथ है? एम लेंथ है और वी स्पीड के साथ गिर रहा है. सो आपके पास क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. इसका निकालना तो आसान है. कितना लेंथ है चेन का अगर रेडियस आर है? पाई आर. पाई आर है. ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है ये पाई आर हो गया. और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखिए तो पाई आर पे लाई करेगा. यानी कि पाई आर बाय टू ये जी और मास की जगह क्या लेंगे? एम. और नेगेटिव आएगा राइट क्योंकि वो बेस लाइन से नीचे. बेस लाइन कहाँ लिया है मैंने? ये वाला ही लेंगे. इजी यू इक्वल्स टू जीरो सो माइनस एम जी पाई आर बाय टू. अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की राइट. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालना. कैसे निकालें? सेंटर ऑफ मास कहाँ ले? देखो एक मैंने आपको आई थिंक पोटेंशियल एनर्जी जब कराया वहां पर भी एक डेरिवेशन कराया था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा. याद है किसी को? देखो सीधा अगर ट्रिक से बात करें तो सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कल का कहाँ लाई करता है? ये लाई करेगा आपके पास क्वाड्रेंट में 2r बाय में पाई. यानी यहां से कितना ऊपर लाई करेगा? 2r बाय में पाई पे लाई करेगा. ठीक है. सो उससे देखिए तो आपका सीधा ही निकल जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh. सारा का सारा मास आप यहां पर कितनी हाइट पर रखे हैं? 2r बाय पाई. तो m g इनटू में 2r बाय में पाई. n पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बेस लाइन से ऊपर है. यहां तक सबको क्लियर है? अब आपको क्या है या तो एक्सप्रेशन ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी फॉर्म्स में निकालने को बोलेंगे या हो सकता है आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए. आ गए ना इक्वेशन बनाने. अब सवाल ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास आया कैसे. ये वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ बट फिर दोबारा मैं बता देती हूँ कैसे हम लोग ऐसे निकालते हैं. मान लो ये आपके पास वो सेमी सर्कल है और लग नहीं रहा ना सेमी सर्कल. दोबारा बनाती हूँ. मान लो ये हो गया आपका सेमी सर्कल. ये आपका सेंटर हो गया. ये आपके पास रेडियस हो गया. ठीक है. और पूरा जो मास है जो कैपिटल एम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लेंथ के अलोंग. कितनी कितनी लेंथ है? पाई आर सर्कमफ्रेंस का आधा. ठीक है. तो प्रॉब्लम ये है कि जो हर एक मास है वो अलग अलग हाइट पे है. सपोज ये वाला मास है वो इतनी हाइट पे है. ये वाला मास इतनी हाइट पे है. ये वाला मास इतनी हाइट पे है. तो मास जो अलग अलग हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर हर एक का अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा. तो इस तरीके को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन. एक का निकाल लो देन यू विल ऐड अप लिमिट्स पुट करेंगे कौन सा वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग. सो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा मास कंसिडर करते हैं. पहले उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बनाएंगे देन वी विल इंटीग्रेट इट. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक छोटा सा मास कंसिडर कर लो. सपोज मैंने कहा कर लिया यहाँ कर लिया. जो मास है वो कितना है? dm. जिसका लेंथ है सपोज dx है. और सेंटर से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं ये तो इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग सपोज ये s d थीटा बना रहा होगा. यस ये d थीटा हो जाएगा. ये मान लीजिए थीटा हो गया. ये डिस्टेंस कितना? ये r ही होगा ना सेंटर से. ये सेंटर है और ये जहां सर्कमफ्रेंस को टच करेगा दोनों r है राइट. तो r का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? r cos थीटा. इसका कंपोनेंट इधर. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर मान लो अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन करूं ये बेस लाइन मैंने मान लिया ऐसे u इक्वल्स टू जीरो. सो r का इधर डिस्टेंस r cos थीटा कितना होगा? r cos थीटा वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया ना. ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा r cos थीटा. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? r sin थीटा. r sin थीटा. तो आप dm के लिए छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. आपको बेस लाइन से ऊपर पता लग गया हो कितना ऊपर रखा है. सो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी डी यू फॉर डी एम मास कितना होगा? डी एम जी एच कितना है बेटा? आर साइन थीटा. ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डी एम मास है. ऐसे ही डी एम मास के लिए छोटे 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 मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालती जाऊं ऐड करती जाऊं मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. इस तरीके के लिए हम क्या यूज करते हैं?
इंटीग्रेशन, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मास। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गया। यहाँ से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है बाहर देख लो, एक तो जी बाहर कॉमन आ गया, एक आर बाहर कॉमन आ गया, अंदर आपके पास डी एम इंटू साइन थीटा। अब देखिए वेरिएबल क्या है मेरे पास, डीएम 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 तो मेरे को सेम सेम लेने हैं। वेरिएबल क्या है, अगर मैं थीटा को जीरो से लेकर पाई तक घुमा दूं तो मेरे पास सारे स्मॉल एलिमेंट्स आ गए, सबका एडिशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी मेरे पास वेरिएबल क्या है, थीटा, तो मुझे उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी डी थीटा चाहिए ना। सो मैं डीएम को चेंज करूंगी, मैं कैसे चेंज करूंगी, मान लीजिए एम जो मास है वो कितनी लेंथ का है, नो नो पाई आर, पाई आर का एम है ना, वन का कितना होगा एम बाय में पाई आर। अब चाहिए मुझे डीएम का लेंथ, ये डीएम मास का लेंथ चाहिए। सो अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूं, ये छोटा सा जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ये आर की तो बना रहा है ना, एक छोटा सा ये आर कितना होगा, ये डी थीटा है, ये रेडियस आर है, ये आर कितना होगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर थीटा। डीएम का कितना लेंथ है, आर डी थीटा। तो पाई आर का मास एम है, तो वन यूनिट का एम बाय पाई आर है, तो आर डी थीटा का कितना होगा, मल्टीप्लाई विद इट। सो आर डी थीटा के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, आर डी थीटा इंटू में एम बाय में पाई आर, आर से आर कट गया, ये आएगा एम डी थीटा बाय में पाई। यहां तक सबको क्लियर है। अब ये जो आया है आपके पास ये मास किसका है, डीएम का ही तो है। अब मेरे पास इजी हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या क्या चीजें देखो, आ गया जी आर डी एम साइन थीटा, जी आर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, डी एम साइन थीटा। सो यहाँ से डीएम की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल एम डी थीटा बाय पाई, कैपिटल एम डी थीटा बाय में पाई इंटू में साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन बाहर जी आर लेंगे। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, अब डी थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर सकते हैं, जीरो से पाई, क्या क्या और कॉमन आ रहा है बाहर, एम जी आर बाय में पाई, पाई, यस पाई आएगा ना, यस। सो आपके पास साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, एमजीआर बाय पाई, ये आएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा जीरो से पाई। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो आपके पास ये टू बनेगा, करके देखो सर, टू आ रहा ना, कॉस पाई क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस कोस, माइनस में माइनस कोस जीरो, तो कोस जीरो वन माइनस माइनस प्लस हो गया, सही समझ में आया ना ये बात, या माइनस बाहर कॉमन ले लो, ये ले लो आप कोस पाई माइनस में कोस जीरो, ऐसे भी कर सकते हो, कोस पाई माइनस वन माइनस में कोस जीरो वन माइनस माइनस कितना हो गया माइनस टू, माइनस टू माइनस ये प्लस टू हो गया, आगे ना बात समझ में। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये टू एम जी आर बाय पाई, चलो इसको अरेंज कर लेते हैं, एम जी इंटू में टू आर बाय पाई, यही आ रहा ना पोटेंशियल एनर्जी जो हमने यहाँ निकाला था, कितना निकाला था, ये रहा एम जी पाई आर बाय टू, पाई आर बाय टू, कुछ गड़बड़ करिए यहीं पर, गड़बड़ करिए उन्होंने, यहाँ पर ये आएगा, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है ना, ये वाला चीज, ठीक है, यस मैम, सेम एम जी इंटू में टू आर बाय पाई, यहाँ पर मैंने इनिशियल पहले इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो ठीक है, ये एम जी और ये इसका आधा कर लिया था, ये बात समझ में आ गई। एक शॉर्टकट है, ये आप याद भी रख सकते हो, वैसे हम लोग जब सेंटर ऑफ मास पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे फिगर्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने वाले हैं, द मेथड इज सेम, जैसे अभी हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया, अलग अलग फिगर्स के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करके देखेंगे, क्लियर है ये बात सबको। अभी देखो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है उसको थोड़ा सा आप एनालाइज करो तो क्या हो रहा है कि अलग अलग हाइट पर आ रहा है, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे देखें तो हॉरिजॉन्टल में तो आप सीधा बता सकते हो जितना इधर मास है उतना इधर मास है, तो मास है तो मिड में आ गया, अब कितना ऊपर नीचे होगा वो आपको फिर निकालना पड़ेगा। सो सेमी सर्कल के लिए कितना हो गया 2r बाय पाई, हाइट के ऊपर होता है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं बट मैं क्वाड्रेंट दे दूं, इसके लिए क्वेश्चन बनाओ, इसमें क्या बोल रहे हैं ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इमर्जेस आउट फ्रॉम लोअर एंड। अब जब ये लोअर एंड से निकलेगा, सपोज आपने इसको यहां से हल्का सा पुल कर लिया तो ये क्या होगा, नीचे खिसकने लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रिक्शन की कोई बात नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की कोई बात नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लगा सकते हैं,
यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो यहां से देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. अब जब बी वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इमर्जेस आउट फ्रॉम लोअर एंड, तो जब ये ए पॉइंट यहां से बाहर आ जाएगा, मतलब ए जो सबसे पहले वाली कड़ी है ये वाली, ये यहां पर होगी और ये सारी ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, राइट. इसका मास एम मान लो, लेंथ जो है कितनी हो जाएगी, रेडियस दे दिया ना आपको आर, पाई आर बाय में टू, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ठीक है जीरो ही है, और क्या हमको सीधा समझ में आता है, इसको बेसलाइन मान लेते हैं, यू इज इक्वल टू जीरो. काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, सपोज ये सारा का सारा जो चीज है वो गिर रही है किससे, वी से, हाफ एम मास है वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. फाइनल निकालना आसान है, कितना लेंथ है ये, पाई आर बाय में टू, और इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इसके भी आधे पे होगा, पाई आर बाय फोर. Yes, तो ये इसके आधे पे लाई करेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर बाय में फोर, यानी एम इंटू में जी इंटू में पाई आर बाय फोर, एंड इट इज नेगेटिव, बेसलाइन से नीचे है. तो यहां से आपके पास ये नेगेटिव आ गया. अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है वो सेम आएगा, जो अभी आपने पीछे निकाला ना, सेंटर ऑफ मास सेम आएगा. कैसे आएगा वो हम निकाल लेंगे. आपके पास सेंटर ऑफ मास कितना आया था, 2r by pi पे था. अभी देखो जब आप उसको काट रहे हो तो हॉरिजॉन्टली आपने मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, तो वो थोड़ा सा अंदर खिसक जाएगा, सपोज यहाँ आ गया, और ये कितनी हाइट पे हो गया, 2r by pi हाइट पे होगा. अभी निकाल के भी देख लेते हैं हम लोग. सो अगर सिंपल इक्वेशन बनाए तो बन गई है मेरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, सारा मास कितनी हाइट पर है, 2r by pi, तो mg into में 2r by में pi. So, equation तो मेरा बन गया. चलो चेक कर लेते कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो सेम चीज है, हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट को ही एनालाइज करेंगे. सपोज ये आपके पास हो गया, ये हो गया सेंटर और ये हो गया आपके पास रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस. अभी सारा का सारा जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर मास को आप देखो अलग अलग हाइट पे, तो एक छोटा सा मास कंसिडर करेंगे एंड वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो से पाई बाय टू, सारे आ जाएंगे ना थीटा उसमें, यहाँ जीरो से यहाँ तक कितना पहुंचेगा, पाई बाय टू. तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो, ये सेम चीज है, करके देखो जरा सेम आ रहा है या नहीं आंसर. सपोज ये ऐसे आ गए, ये आपके पास क्या है डी थीटा, ये कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है. ये रेडियस ही है. अब रेडियस जो है इसका एक इधर कंपोनेंट आएगा और एक इधर कंपोनेंट आएगा. मान लो ये जो आपके पास है, अभी देखो ये कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, मान लो ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस है, ये थीटा है, इसका इधर कंपोनेंट ये कितना होगा, आर कोस थीटा, इतना. और इधर कंपोनेंट लेते हो आप एक ऐसे, आर साइन थीटा, एंड वेक्टर्स में ट्रांसलेशन अलाउड है, आप इस आर साइन थीटा को यहाँ भी दिखा सकते हो ना, ये चीज. सो आपको डीएम मास का हाइट मिल गया. सो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, डी यू इज इक्वल टू डी एम जी, हाइट कितनी आई, आर साइन थीटा. अब सेम चीज हमने अगर ये छोटा सा ट्राइंगल बाहर निकाल लिया तो डीएम निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उससे उसके लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डी थीटा लेके आना है. सो आपके पास ये आर है, ये डी थीटा है, ये आर डी थीटा हो गया. अगर आपके पास पाई आर बाय फोर लेंथ का मास एम है, यूनिट का कितना होगा, एम बाय में पाई आर बाय फोर, एंड कितने का निकालना है, आर डी थीटा. आर डी थीटा का कितना हो जाएगा बेटा, एम बाय में पाई आर बाय में फोर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कट गया, सो यह आएगा फोर एम बाय पाई इंटू डी थीटा. तो यहां पर क्या आ जाएगा, फोर एम बाय पाई इंटू डी थीटा, ठीक है, ये चीज इंटू में जी इंटू में आर इंटू में साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू डी यू. यहां तक सबको क्लियर है, अब जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर सेम बन रहा है या नहीं बन रहा. इंटीग्रेट ऑन बोथ दी साइड्स एंड लिमिट्स लेके देखें,
जीरो से पाई बाय टू। सॉल्व करके देखो बेटा एक बार, सेम बन रहा है नहीं? U equals to क्या है 4m by pi g r, ये तो बाहर ही आ गया 4m by pi into g r integration of sin theta d theta, angle है 0 से pi by 2, ये आ गया आपके पास integration, so this is your potential energy total 4m by pi g r sin theta का integration minus cos theta जीरो से पाई बाय टू, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन हो जाएगा। सो कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने यहाँ पे, क्या गड़बड़ करी है? शायद मास लेने वाला पाई आर बाय फोर लेने वो पाई आर बाय टू था। यस पाई आर बाय टू, ठीक है अभी आ गया फिर आंसर तो ठीक है, सेम आ रहा है। सो एम जी टू आर बाय पाई, टू आर बाय पाई, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और यही हम लोगों ने वहां पर इस्तेमाल करी है। क्लियर है सबको? तो आप निकाल सकते हो, कहीं पर अटक जाओ तो ये इंटीग्रेशन मेथड आपको आना चाहिए, वैसे इन दोनों फिगर्स के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। और इस केस को तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, भाई आपने उसको सीधा ऐसे काटा है तो हॉरिजॉन्टली तो शिफ्ट होगा लेकिन वर्टिकल वाले पे असर नहीं पड़ रहा, हमको तो हॉरिजॉन्टल से मतलब ही नहीं है, हमको तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमको क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल कितना खिसक रहा है उससे क्या मतलब है, राइट? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारी आपकी चेन प्रॉब्लम्स, कुछ एंगल्स वगैरह, आप न्यूमेरिक वैल्यू अगर दे देते हैं तो फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन, जहां आ जाता है पिक्चर में, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग ऑफ टेबल विदाउट स्लिपिंग। ऐसे होता है ना कि आपने मान लो कोई चीज अपने टेबल वैसे लटका रखी है, ठीक है, एक जगह तो बैलेंस है लेकिन अगर उसको आपने थोड़ा सा हिला दिया तो क्या हो जाएगा, दोबारा सारी की सारी नीचे स्लाइड कर जाती है। तो यही चीज पूछे कि कितना लेंथ चेन का हैंग कर सकता है टेबल पे विदाउट स्लिपिंग। गिवन क्या है, चेन ऑफ मास m है, लेंथ l है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू है, तो बताओ मुझे उसको नीचे खिसकाने वाला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी वाला फोर्स है, फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। और कौन रोकेगा? फ्रिक्शन ही रोकेगा ना। सो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं ना, आपको इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। इक्विलिब्रियम क्या है भाई, नीचे लगने वाला फोर्स अगर ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर है तो वो रुकी रहेगी, अगर नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सिंपल, क्या चीज देखना है हमको, नीचे फोर्स जो लगेगा उतना लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा इसके ऊपर, mg। हम मान लेते हैं पहली बात तो कि कितना लेंथ नीचे है वो हम x मान लेते हैं, टोटल लेंथ l है तो ये कितना हो जाएगा, l माइनस x, l माइनस x। अब x लेंथ का मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m बाय l, x का कितना हो जाएगा, m बाय l इनटू x, इसका कितना हो जाएगा, m बाय l इनटू में l माइनस x, m बाय l इनटू में l माइनस x, ठीक है यहां तक कहानी। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टेंडेंसी किधर है मोशन की, आगे की तरफ है ना, सो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू में एन होती है, यानी एक नॉर्मल है, राइट। सो यहां से आपके पास नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो तो सीधा निकल जाएगा क्या, एम जी जो मास है इंटू में जी, मास कितना है, एम बाय एल इंटू में एक्स इंटू में जी, यही तो फोर्स लगेगा ना नीचे, वेट जो उस चेन का है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इनटू में एन, एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अब वो रखी है ना तो सरफेस उस पे फ्रिक्शन लगाएगा किसके बराबर, ऊपर नीचे मोशन नहीं है, जितना वेट नीचे है उतना ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, सो एम बाय एन इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी, सो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू में एम बाय एल इंटू में एल माइनस एक्स इंटू में जी, ये आपके पास n की वैल्यू होगी।
तो दिस इज इक्वल टू एम बाय एन इंटू मी एक्स इंटू मी जी. सो क्या क्या चीजें कट रही है, सबसे पहले देखो एल से एल कट गया, जी से जी कट गया, एम से एम भी कट गया, यानी म्यू एल माइनस में म्यू एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स. तो म्यू एल इक्वल्स टू एक्स कॉमन वन प्लस में म्यू. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एल बाय में वन प्लस में म्यू. यानी इतना लेंथ हैंग कर सकता है तब तक तो स्लिप नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा आपके पास लेंथ हुआ तो स्लिप हो जाएगा. सो कंडीशन जब आप स्टडी करते हो कि जो आपका नीचे वाला जो फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू जो ग्रेविटी है, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो ऊपर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कम होना चाहिए. कम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो हैंग करेगा. ठीक है, जस्ट स्लिपिंग वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला ही तो हम चेक करेंगे ना कि कितना हैंग कर सकता है, वो जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग वाला कंडीशन हो जाएगा. तो आपके पास इक्वालिटी वाला हम लोगों ने चेक किया. आई बात सबको समझ में? Yes, ma'am. इसी में आपसे एक दूसरा सवाल पूछ लूं कि इस कंडीशन के अंदर कितना लेंथ चेन का टेबल पे रखा है, वो भी आप निकाल सकते हो. ऑन टेबल कितना है, एल माइनस में म्यू एल बाय में वन प्लस में म्यू. सो दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस एल म्यू माइनस में, सो एल बाय में वन प्लस में म्यू, यही आएगा ना? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो विदाउट स्लिपिंग के लिए हमने कंडीशन निकाली, नीचे कितना लेंथ हैंग कर सकता है, म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू, और ऊपर कितना लाई करेगा, एल बाय में वन प्लस म्यू. ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए. अगर आता है क्वेश्चन कभी भी तो बहुत ईजी है, क्योंकि अभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अगर वो हार्ड बनाते हैं तो ये वाला पार्ट भी उसमें आएगा और उसे आगे भी आपको कुछ सॉल्व करना होगा. तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है कि आपको याद है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नीचे कितना हैंग कर सकता है और ऊपर कितना. न्यूमेरिक वैल्यू दे दो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो, इसमें कोई खैर ज्यादा टाइम वाली बात नहीं. आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन को एनालाइज करना है कि क्या क्या होगा. अब इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, फाइंड टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन चेन स्लिप्स ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द पोजीशन व्हेन चेन वाज जस्ट अबाउट टू स्लिप. यानी कंडीशन कौन सी है, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि कितना लेंथ होना चाहिए नीचे और कितना लेंथ होना चाहिए टेबल पे. उस समय पे आपको चेक करना है कि अगर उसने स्लिपिंग शुरू कर दिया तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया, ये सवाल है. ठीक है, मास आप इसका मान सकते हो कितना है, टोटल मास एम है, लेंथ एल है, ये चीज आप निकाल चुके कि कितना होना चाहिए जस्ट स्लिपिंग वाला कंडीशन. L by में वन प्लस में और ऊपर कितना आएगा, L by one plus. तो हमारे पास एक चीज तो ऑलरेडी हमको मिल चुकी है. अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन के लिए आपको स्टडी भी बस यही तो करना है. करो जरा एक बार ट्राई करो कि क्या हो सकता है, दो मिनट तीन मिनट लगाओ, सोचो क्या पॉसिबिलिटीज है. वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है एंगल दोनों के बीच में क्या आएगा, 180, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगेगा ये चलो नेगेटिव आएगा, ये वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. क्या लें, मास क्या लें, डिस्प्लेसमेंट क्या लें, आज बहुत सारे नए स्टूडेंट आए हुए. हर्षल यादव, पारुल, समीर, ट्रिपल एस स्टूडेंट से क्या नाम है बेटा, ट्रिपल एस से शिवानी कुमारी. अच्छा, आपका ही मैसेज आया था. ठीक है मैम, इसमें फ्रिक्शन चेंज करेगा ना टाइम के साथ, क्योंकि उसका मास नीचे नीचे जाता जा रहा है. ये प्रॉब्लम है ना, ये तो प्रॉब्लम है. अगर एक जगह मास रखा होता तो आसानी थी मेरे लिए. Yes, मैं बोल देती कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, L by में 1 plus mu. ऐसे ही था ना, work done due to friction. Friction तो निकालते हम लोग mu n से करके निकालते, and displacement आप क्या ले लेते, L by में 1 plus mu. But problem क्या है कि हर एक जो ये लूप है चेन का, हर एक जो कड़ी है वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ठीक है, मास यहाँ पर टाइम के साथ चेंज हो रहा है. दूसरा प्रॉब्लम ये है क्या, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, प्लस आपके पास हर एक मास का कंपोनेंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप फ्रिक्शन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है एफ डॉट एस करके नहीं निकाल सकते वर्क डन. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल सी कड़ी ले लो जिसका मास डीएम है,
एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम टेबल, इस साइड से ले लीजिए, मान लो ये आपने ले लिया डीएम, कितना डिस्टेंस पे है ये आपने ले लिया एक्स। सो इससे करके देखिए एक बार, ये डीएम हो गया आपके पास, लेंथ कितनी होगी ये वाली, डीएक्स होगी। ठीक है, अब करो, एक हिंट दे दिया मैंने कैसे करूंगी, इंटीग्रेट करो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, दो ही है क्वेश्चन हमारे, एक ये वाला है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस यही दो थोड़े से मुश्किल पड़ते हैं, अदरवाइज तो आसान ही है सारे। अब इस छोटे से एलिमेंट पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लग जाएगा ना इस तरफ, इधर एक स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स, आप सपोज डीएफ ले रहे, छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपके पास, म्यू इनटू में एन, म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो इसका वेट नीचे लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो जितना इस डी एक्स लेंथ का वेट होगा, जिसको आप डीएम बोल रहे हो, मल्टीप्लाई बाय जी, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय बन जाएगा, वेट बन जाएगा। सो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, पहली बात तो हमको निकालना पड़ेगा टोटल जो लेंथ है वो आपके पास एल है, तो एल लेंथ का मास कितना है बेटा, एम है, यूनिट लेंथ का कितना है, एम बाय एल है, और टेबल पे कितना है, एल बाय में वन प्लस में, चलो टेबल पे नहीं आओ, पहले इसकी बात करो, इसका लेंथ कितना है डीएक्स, तो डीएक्स लेंथ के लिए मास क्या हो जाएगा, एम बाय एल इन टू में डीएक्स, ये होगा ना यूनिट लेंथ के लिए एम बाय एल, एम बाय एल इन टू में डीएक्स। सो ये आपके पास आ गया छोटा सा मास, और मल्टीप्लाई बाय में जी कर दूं तो क्या इस कंपोनेंट का वेट नहीं आ गया नीचे, ठीक है, तो यहां से आपके पास नॉर्मल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू में जी, तो ये तो आ गया मेरे पास छोटा सा फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है। अब इसकी वजह से एक वर्क डन हो रहा है, ठीक है, सो वो आपके पास वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, दिस इज इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स इंटू में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है एफ डॉट डी, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव को हटा देते हैं फॉर सम टाइम, सो ये स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास एफ डी एक्स, फ्रिक्शनल फोर्स अभी आप लोगों ने निकाला कितना आया है, म्यू बाय म्यू इनटू में एम बाय एल डी एक्स इनटू जी। हम डिस्प्लेसमेंट तो एक्स ही ले लेंगे ना, हाँ सॉरी यस एक्स 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 ही ले लेंगे तो डी एक्स, हाँ डी एक्स उसमें आ जाएगा, ठीक है ठीक है, ये आएगा एक्स एफ x, f कितना आया है mu into में m by l dx into g into x, this is your small work done। अभी ऐसे छोटे 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 components अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, लिमिट्स क्या हो जाएगी, x equals to zero से दूसरी लिमिट क्या लू, l by one plus में, इजी है ना, अब तो कर ही लोगे, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या क्या चीजें कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, म्यू बाहर, एम बाहर, एल बाहर, जी बाहर, अंदर क्या बच रहा है, एक्स इंटू में डीएक्स, और लिमिट्स क्या है आपकी, जीरो से एल बाय में वन प्लस म्यू, सो ये आ जाएगा आपके पास क्या, म्यू इंटू में एम बाय एल इंटू में जी एक्स स्क्वायर बाय में टू, सो ये आएगा आपके पास म्यू एम एल जी, ऊपर आएगा आपके पास अपर लिमिट ही आएगी, लोअर लिमिट तो जीरो ही कर देगी सारी चीज को, सो एल बाय में वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और ये मैंने टू बाहर ले लिया, क्लियर है सबको, हाँ जी बेटा क्लियर है कि नहीं है, यस मैम, दिस इज द वन जो हुआ है जब अगर वो स्लिप करने लग जाए ड्यू टू फ्रिक्शन, कोई भी डाउट है तो पूछो, इसमें आपने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, उसका टेबल का जो एज है वहां से डिस्टेंस देखा, जनरल हम लोग एक्सप्रेशन निकाले तो स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का x डिस्टेंस पे है, इसके लिए एक छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स निकाला, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू में n, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए अब इसका वेट चाहिए ना,
तो इसका वेट हमने निकाल लिया, पर यूनिट लेंथ मास पता था, तो इस dx लेंथ का कितना मास होगा वो निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय में g कर लिया, वहां से हमारे पास एक फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उससे, तो हमारे पास एक स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। ये एक जनरल एक्सप्रेशन निकाला। फिर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स अगर मैं सारे लेती जाऊँ अलग अलग डिस्टेंस पे, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा अगर मैं ऐड कर दूं सबको। सो मेरे पास जो लिमिट्स है वो किस में लेनी है मुझे, एक्स ही तो चेंज हो रहा है, बाकी तो क्या ही चेंज हो रहा है। सो एक्स इक्वल्स टू जीरो से एल बाय में वन प्लस म्यू, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं दिखा रखा, समझ जाओ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, नेगेटिव। क्लियर है सबको? अब देखते हैं इसी नेक्स्ट वर्जन। अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l सच दैट इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, वही कंडीशन है, जस्ट अबाउट टू स्लिप में कितना नीचे है लेंथ और कितना ऊपर है वो हमको पता है, एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन भी पता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्या होगा देखिए, जब सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जब पूरा चेन स्लिप ऑफ हो जाएगा तो बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ये आपके पास बी पॉइंट हो गया, ये आपके पास ए पॉइंट हो गया, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। इनिशियली ये रेस्ट पे रखा है, जस्ट अबाउट टू स्लिप में क्या है वो रेस्ट पे है, ठीक है। और जैसे आपको उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। जब बी पॉइंट टेबल से नीचे आ गया तब उन्होंने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ चेन कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करेंगे, नहीं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं होगा, तो यूज नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अब ये चीज आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, ड्यू टू फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन कितना कितनी लेंथ के ऊपर काम कर रहा है, जो ये ऊपर है, ठीक है। इसके लिए आप लोग ऑलरेडी वर्क डन निकाल चुके हो, कितना आएगा इसका वर्क डन लिख लेते हैं हम लोग, 1/2 μm/lg, याद रखो अभी क्या लिखना है, 1/2 μm/lg इनटू में कितना था, l स्क्वायर अपॉन में 1 l बाय में 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, l बाय में 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। सो ये नेगेटिव में आ गया आपके पास, ये आपके पास जीरो है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, पूरा का पूरा जो चेन है वो किस स्पीड से गिर रहा है, वी स्पीड से गिर रहा है, सपोज वही वी निकालना है हमको। टोटल मास कितना गिर रहा है, m गिर रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, बेस लाइन लेना पड़ेगा, बेस लाइन इसको ले लेते हैं, यू इज इक्वल टू जीरो, बेस लाइन लिया उसके बाद बताओ कितना होगा, टोटल लेंथ एल है ना, और मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पास अलग अलग हाइट पे है। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाय टू और मास सारा यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो एम जी एल बाय टू, एंड ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बेस लाइन से नीचे है, ठीक है। अब बात आती है इनिशियल पे, इनिशियल में हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है सिंपल, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपको निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या आएगा आपके पास, देखो ऊपर कितना लेंथ है, जब आपके पास जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग है, ऊपर लेंथ हम निकाल चुके हैं, कितना एल बाय में वन प्लस म्यू, यस मैम, ये आपके पास कितना है, एल बाय में वन प्लस म्यू, और नीचे कितना हैंग कर रहा है भाई, म्यू एल बाय वन बाय म्यू, एल बाय में वन प्लस म्यू, यही है ना, यस मैम, यस मैम। चलिए, सो अब निकालना पड़ेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो ऊपर वाले चेन का तो जीरो ही हो, बेस लाइन पे रखा है तो जीरो ही हो गया, तो एक जीरो आया आपके पास प्लस में, इसका निकालना पड़ेगा। अभी पहली बात तो ये जो चेन का लेंथ है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके आधे पे लाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस मैम। तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो आप, तो म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू का भी आधा लेना पड़ेगा, ठीक है, यस मैम, इनटू में जी, हाइट ले लिया, जी ले लिया, मास कितना होगा इसका, एल लेंथ का मास कितना है, एम है, यूनिट लेंथ का कितना है, एम बाय एल है, और कितने का निकालना है, म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू,
तो म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू का कितना होगा, म्यू एम एम बाय एल इंटू में म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू, सो यहाँ से एल से एल कट गया, तो एम म्यू बाय में वन प्लस म्यू, तो यहाँ से आपके पास टर्म क्या आ जाएगा मास के लिए, एम म्यू बाय में वन प्लस म्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख नहीं रही, मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये आएगा, क्लियर है सबको, ये वाला एक्सप्रेशन ही है समझने का और इसमें कुछ नहीं है। देखिए दोबारा देख लीजिए, नीचे हैंग कितना कर रहा है, म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू, क्योंकि ऊपर वाले का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो सबसे पहले मास जो है वो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग हाइट पे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यूनिफॉर्म बॉडी है, सीधी बॉडी है, उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका हाफ लेना पड़ेगा, हाफ ऑफ म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू, और इस लेंथ का मास कितना होगा वो लेना पड़ेगा, पर यूनिट लेंथ क्या है एम बाय एल, म्यू एल बाय में वन प्लस म्यू का आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। सो यहाँ से आपके पास एम जी एच सारी टर्म्स पुट करी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह कुछ दी होगी, ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको, इक्वेशन बनाना आ गया ना, इससे टिपिकल क्वेश्चन तो इसमें क्या ही हो सकता है। यस मैम, यस मैम, ठीक है। सो ये हमारी सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कोई और अगर प्रॉब्लम्स ऑफ चेन, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पे।